नमस्कार, मैं राजकुमार श्री अरबिंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत यूपी बोर्ड के कक्षा 2 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 15 कद्दू जी की बारात को एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा के माध्यम से क्रियान्वित करना बताऊंगा। वैसे तो इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु इस वीडियो में हम इसे गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा के माध्यम से पढ़ाना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस पाठ के सार के बारे में बता देता हूँ। प्रस्तुत पाठ विभिन्न प्रकार की सब्जियों पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता यह है कि कंसेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश के उदाहरणों को अनुभवों को ग्रहण करते हुए बच्चों से गृह कार्य करवाया जाएगा और पढ़ाए गए कंसेप्ट को वर्तमान परिवेश से जोड़ते हुए विद्यार्थियों को उनकी समझ को विकसित करने के लिए सहायता की जाएगी। इस नवाचार क्रियान्वयन की अवधि 30 मिनट है। इस नवाचार के क्रियान्वयन प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को नाम वाले शब्द और काम वाले शब्दों का पुनः अध्ययन आसानी से करवाया जा सकता है। जहां तक पूर्व प्रबंधन की बात है तो नवाचारी शिक्षक कद्दू जी की बारात से संबंधित एक तालिका की प्रतिलिपि उतनी संख्या में लाएंगे जितनी कक्षा के छात्रों की कुल संख्या है। पुनः अध्ययन की जहां तक बात है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इस गतिविधि के माध्यम से बच्चों को नाम वाले शब्द और काम वाले शब्दों का पुनः अध्ययन आसानी से करवाया जा सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि इस गतिविधि को करवाने से पहले इस पाठ को पढ़ा दिया गया हो, इस पाठ का निर्माण और व्याख्या करवाई जा चुकी हो। छात्रों के लिए कुछ निर्देश होते हैं जो नवाचारी शिक्षक उन्हें बताते हैं कि आप अपने घर जाकर अपने अभिभावकों की मदद से आपके घर में रसोई में बनने वाली सब्जियों की सूची लिख कर लाएंगे, साथ ही साथ उन सब्जियों को बनाने की जो विधि है वह भी लिख कर लाएंगे। उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो एक तालिका बनाई जाती है जिसमें ऊपर ही ऊपर छात्र का नाम और नीचे दो कॉलम होते हैं, जिसमें पहले कॉलम में लिखा होगा विभिन्न सब्जियों के नाम और दूसरे कॉलम में लिखा होगा सब्जी बनाने की विधि। अब नवाचारी शिक्षक छात्रों को मोटिवेट करेंगे कि कल आपको जब ये आप वापस आएंगे ये तालिका भरवा कर लानी है, क्योंकि आपको इस पाठ का पुनः अध्ययन इस तालिका के साथ करवाया जाएगा। साथ ही साथ शिक्षक अभिभावकों के लिए भी कुछ निर्देश इस तालिका के नीचे लिख देते हैं, जिसमें वे लिखते हैं कि अभिभावक विद्यार्थियों की जो रुचि है उसके आधार पर विभिन्न वस्तुओं के उदाहरणों के माध्यम से उन्हें अनुभव करवाते हुए इस तालिका को भरवाने का श्रम करें और इसे वापस विद्यालय सही हालत में पहुँचाने का श्रम करें। इस प्रकार से अभिभावकों को निर्देशित किया जाता है। अगले दिन जब वे बच्चे विद्यालय वापस आते हैं तो उस तालिका के आधार पर उन्हें कद्दू जी की बारात चैप्टर का पुनः अध्ययन करवाया जाता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन से सीखने के जो प्रतिफल प्राप्त होते हैं वो निम्न हैं। जैसे सबसे पहला, बच्चे विविध उद्देश्यों के लिए अपनी भाषा में और अपने विद्यालय की भाषा में एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, उदाहरण देते हैं, अपने अनुभवों को साझा करते हैं, अपनी कल्पना से कहानी या कविता का निर्माण करते हैं, अपनी निजी अनुभवों को और परिवेश पर आधारित अनुभवों को आपस में सामंजस्य करवाते हुए नई कविता या कहानी का निर्माण करते हैं। वे निजी जिंदगी और परिवेश के उदाहरणों को मिलाते हुए अपनी लेखन प्रक्रिया में उनको शामिल करते हैं, हिंदी की वर्णमाला के अक्षरों को पहचानते हैं और उनकी ध्वनियों को पहचानते हैं, समान ध्वनियों वाले शब्दों को पहचानते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन में निम्नलिखित बातों को हमेशा ध्यान रखा जाता है। जैसे प्रस्तुत पाठ को नवम्बर माह में पढ़ाया जाता है, अध्यापक द्वारा छात्रों को दिया जाने वाला गृह कार्य प्रयोगात्मक और अनुभवात्मक होना चाहिए ताकि बच्चे स्वयं उसका पता करके किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकें। इस नवाचार के क्रियान्वयन में NCF 2005 के उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है। PTR अनुपात को ध्यान में रखते हुए इस नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि निर्धारित की गई है।
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी इस नवाचार से लाभ प्राप्त होता है। बच्चों में जीवन कौशल जैसे आत्म जागरूकता, गहन सोच, प्रभावशाली संप्रेषण का विकास होता है और साथ ही साथ उनमें निहित मूल्य जैसे साहस, उत्तरदायित्व, सहयोग का भी विकास होता है। हम आशा करते हैं आपको यह नवाचार अच्छा लगा होगा। आप भी इस चैप्टर को इस नवाचार के माध्यम से अपनी अपने विद्यालय में क्रियान्वित करेंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारे YouTube चैनल ZIIEI को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारी Facebook पेज को लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।